पीटीटी 2023 का रिजल्ट 22 मई को जारी हुआ था और 25 तारीख को आपकी 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था। अभी का आपकी कल 1 जुलाई से आपकी कॉलेज चॉइस है वो होनी थी, लेकिन आपकी 1 जुलाई से कॉलेज चॉइस है वो नहीं हो पाई है। ये मैंने वीडियो के माध्यम से आपको कल अपडेट कर दिया था कि कल यानी 1 तारीख से आपकी कॉलेज चॉइस है वो नहीं होने वाली है, और आज 2 तारीख है तो आज से भी नहीं होगी, कल से भी नहीं होगी, यानी 3 तारीख से भी नहीं होगी, तो फिर कब से होगी? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 या 5 तक आपकी संभावना है कि कॉलेज चॉइस वो आपकी स्टार्ट हो जाए। तो फाइनली आपका नया शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। और एक बात मैं आपको शुरुआत में बोलना चाहूँ कि जो नया शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर अपडेट नहीं किया गया है, चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पे जो पहले वाला शेड्यूल है वो ही आपको देखने को मिलेगा। देखो पहले का जो शेड्यूल था वो था आपका 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपकी कॉलेज चॉइस है वो होनी थी, और ये बात मैंने कल वीडियो के माध्यम से बता दी थी कि 1 तारीख से आपकी कॉलेज चॉइस वो नहीं होगी, ठीक है। वो वीडियो अगर किसी ने देखा होगा तो उन सभी तक वो न्यूज है वो पहुंच गई होगी। और अगर आप फिर भी परेशान हो, कॉलेज चॉइस शुरू नहीं हुई तो वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दी थी, ठीक है। तो ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको इस चैनल के ऊपर दी जाती है, तो पीटीटी की हर ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगे कि चैनल कोई काम का नहीं तो बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना, लेकिन एक बार सब्सक्राइब कर लेना, आप चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। वो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, भले सब्सक्राइब मत करो। अब नया शेड्यूल जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, कब से लेकर कब तक आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो, और 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हो, और जो पहले के शेड्यूल के अनुसार आपको 11 जुलाई को जो फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आनी थी, लेकिन अब आपकी 11 जुलाई को नहीं आएगी, 11 के बाद ही आएगी। तो कल के वीडियो में मैंने जो बताया था, मैंने बताया था कि 3 तक तो आपकी कोई भी संभावना नहीं है कि आपका जो शेड्यूल है वो आएगा, कॉलेज चॉइस का लिंक है वो आएगा, कॉलेज लिस्ट का लिंक आएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि 4 या 5 तक आपकी संभावना कि आपकी शुरू हो जाएगी, जो कॉलेज फिल होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी आपकी जो नया शेड्यूल है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि आपकी 5 जुलाई से कॉलेज चॉइस है वो स्टार्ट होगी, 5 जुलाई से कॉलेज चॉइस स्टार्ट होगी। लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज चॉइस का लिंक आ जाएगा तो आप कॉलेज चॉइस कर दोगे, लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट की बात यह कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है ना वो 5 की 5 ही रहेगी, 5 से नहीं बढ़ेगी, और बगैर 5,000 का रजिस्ट्रेशन की आप कॉलेज चॉइस नहीं कर सकते। तो कॉलेज चॉइस करने के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास लास्ट डेट है वो 5 जुलाई रखी गई है। कॉलेज जो फिल होंगी उसका मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ, कॉलेज फिल होंगे 5 से लेकर 13 जुलाई तक, और इसके ऊपर आज साइट के ऊपर शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा, 5 से लेकर 13 तक है वो आपकी कॉलेज चॉइस होंगी आज साइट के ऊपर, आज दोपहर तक या फिर शाम तक साइट के ऊपर शेड्यूल है वो अपडेट कर दिया जाएगा, नया शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूं वो, ठीक है। तो 5 जुलाई से आप 13 तक आप कॉलेज चॉइस कर सकते हो, लेकिन कॉलेज चॉइस वही स्टूडेंट कर पाएगा जिन्होंने 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है वो कर रखा। 5,000 काउंसलिंग कराने की डेट थी वो 25 से 5 कर दी गई है, और कॉलेज फिल होंगे अपने 4 तारीख से और 13 तारीख के बीच में, वो जो फर्स्ट लिस्ट है, प्रथम लिस्ट है, आप कॉलेज चेंज करने के बाद प्रथम लिस्ट आएगी, वो आएगी 16/7/2023 को। उसके बाद में आप जो शेष राशि है वो ईमित से जमा करवाएंगे 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के मध्य में, और रिपोर्टिंग करनी है आपको 18 से 24 के मध्य में, और उसके बाद में अपर मूवमेंट का फॉर्म भरवाएंगे 19 तारीख से 25 तारीख के बीच में, और अपर मूवमेंट के पश्चात सूचना द्वारा आएगी आपको 27 तारीख को।